नमस्कार, बंसल वास्तु रिसर्च एंड कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको एक केस स्टडी के बारे में बताना चाहूँगा। जिस केस स्टडी के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है पेट्रोल पंप। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस पेट्रोल पंप में कहाँ पर क्या कमी थी जिसकी वजह से यह पेट्रोल पंप सेल हुआ और यह पेट्रोल पंप मेरे क्लाइंट ने टेक ओवर किया। वास्तुशास्त्र के अनुसार कहाँ पर क्या मेजर कमी थी, किस वजह से इसमें दिक्कत आई, आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताना चाहूँगा। आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और विचार कीजिएगा कि आपके यहाँ भी कोई पेट्रोल पंप है, आपका भी अपना कोई पेट्रोल पंप है और वो पेट्रोल पंप अच्छा नहीं चल रहा, तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ। आप वास्तुशास्त्र के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं तो आप उस पॉइंट को बहुत प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। और आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। जो मैंने साइट देखी वो नॉर्थ फेसिंग यानी उत्तरमुखी थी, उत्तरमुखी पेट्रोल पंप था और इस पेट्रोल पंप का नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण बढ़ा हुआ था। जिस व्यक्ति ने इस पेट्रोल पंप को लगाया था उसका काम बहुत ही बढ़िया चल रहा था। जैसे जैसे सड़क बनती चली गई वैसे वैसे इस पेट्रोल पंप की सेल कम होती चली गई और एक स्टेज ऐसी आ गई कि नहीं, ये पेट्रोल पंप सेल करना पड़ा। इन्होंने जब ये पेट्रोल पंप सेल किया तो इन्होंने क्या किया कि इसमें फिलिंग कराकर, मिट्टी की फिलिंग कराकर इस पंप को रोड लेवल से ऊंचा ले आए। ऊंचा लाने के बावजूद भी ये पेट्रोल पंप अच्छा नहीं चला। उसके पीछे दो मेजर कारण और भी थे। इन्होंने पेट्रोल पंप को तो ऊंचा कर दिया लेकिन इसमें कुछ कमियां छोड़ दी। क्या कमी छोड़ दी? एक तो इन्होंने साउथ वेस्ट नैऋत्य कोने में ऑफिस बनाया हुआ था, ये ऑफिस इनका डाउन था, नीचा, यानी पूरे पेट्रोल पंप का जो फ्लोर लेवल है वो ऊंचा कर दिया और साउथ वेस्ट का एरिया लगभग 4 फुट के करीब डाउन था। और दूसरी कमी जो थी वो थी इन्होंने साउथ ईस्ट अग्नि कोने में सबमर्सिबल लगाया हुआ था जिसकी वजह से ये पेट्रोल पंप उन्होंने सेल करना पड़ा। जब मैं यहाँ साइट विजिट करने गया तो मैंने देखा कि पेट्रोल पंप का सेटअप तो बहुत बढ़िया था, सिर्फ दो ही मेजर कमी थी। मैंने सबसे पहले तो इस एरिए की फिलिंग कराई, साउथ वेस्ट के एरिए की फिलिंग कराकर पूरे पेट्रोल पंप के फ्लोर लेवल से ऊंचा करवाया। मां आप इसको ऊंचा कर लीजिएगा, आपका पेट्रोल पंप बढ़िया चलने लगेगा। इसी के साथ जो आपने सबमर्सिबल साउथ ईस्ट में लगाया हुआ है ये भी गलत है। इस सबमर्सिबल को यहाँ से बंद करके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर लगाए या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर लगाए, यानी नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर आप अपना सबमर्सिबल लगाते हैं तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। पेट्रोल पंप की फर्श की ढलान कंप्लीट साउथ से नॉर्थ की ओर, साउथ ऊंचा और नॉर्थ नीचा था। मां ये जो स्लोप है ये बहुत ही बढ़िया है, आपका पेट्रोल पंप बहुत बढ़िया चलेगा। फिर उन्होंने कहा, बंसल जी हमने इसमें नॉर्थ के भाग में यानी इस जोन में एक गार्डन भी बनाना है और यहाँ पर जो गार्डन बनाना चाहते हैं यहाँ का फ्लोर लेवल ऊंचा करके इसमें हम गार्डन बनाएंगे, यहाँ पर घास लगाएंगे, पौधे लगाएंगे। तो मैंने कहा कि जब आप इसको ऊंचा कर देंगे यानी नॉर्थ में गार्डन बनाएंगे, गार्डन बनाना तो बहुत बढ़िया है लेकिन यहाँ का मिट्टी का लेवल ऊंचा हो जाएगा तो आपका ये पेट्रोल पंप आपको प्रॉफिट नहीं देगा। जो सेल आपके यहाँ होनी चाहिए वो सेल नहीं होगी। आपने यहाँ पर लॉन बनाना है तो जो यहाँ पर आपका फर्श का लेवल है उससे नीचा करके यहाँ पर आप लॉन बनाएंगे तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसी के साथ मैंने कहा कि आप यहाँ पर एक वाटर कूलर भी जरूर लगाएं। वाटर कूलर लगाने से होगा क्या, यहाँ पर हर रोज रूटीन में फर्श के ऊपर पानी गिरना शुरू हो जाएगा और जब ठंडा पानी नॉर्थ में गिरता है तो उससे पैसे आने के साधन बढ़ जाते हैं, सेल बढ़ जाती है और जब पेट्रोल पंप की सेल बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली मन लगेगा, काम में मजा आएगा। कुछ कमियां
इस पेट्रोल पंप में कुछ चीज़ें और ऐड करनी थी, क्योंकि इन्होंने अभी इस पेट्रोल पंप को टेक ओवर किया था, तो इन्होंने अपने यहाँ पर एक तो कैंटीन बनाने का विचार था, एक कन्फेक्शनरी की शॉप खोलने का विचार था, और एक हवा भरने के लिए फिलिंग स्टेशन भी बनाना था। तो मैंने इन्हें कहा कि आप नॉर्थ वेस्ट जोन में, यहाँ पर इस जोन में आप हवा भरने के लिए फिलिंग स्टेशन लगाएं, यानी एयर कंप्रेसर आप यहाँ पर लगाएंगे और यहीं पर हवा भरने के लिए सेटअप रखेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और यहाँ पर आप एक अपनी कन्फेक्शनरी की शॉप बनाएं, और इसी के साथ आप यहाँ पर पोल्यूशन के लिए अपना पोल्यूशन बूथ भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी भी रिक्वायरमेंट है। अब बात आती है कि ऑफिस भी बनाना है, और उसके साथ एक स्टाफ के लिए रूम भी चाहिए, और वहाँ पर टॉयलेट्स भी चाहिए, क्योंकि हर पेट्रोल पंप पर टॉयलेट भी कंपलसरी है। तो मैंने कहा कि जो आपका साउथ वेस्ट का एरिया है, इस एरिए में आप अपना सबसे पहले तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में, मैं इसको क्लीन करना चाहूँगा, साउथ वेस्ट कॉर्नर में यहाँ पर अपना ऑफिस बनाए। इसके साथ यहाँ पर आपका अपना स्टाफ का ऑफिस हो जाएगा, और यहाँ पर मेल और फीमेल टॉयलेट हो जाएगी। ये आपका ऑफिस, ये स्टाफ ऑफिस, ये एक टॉयलेट मेल के लिए और एक टॉयलेट फीमेल के लिए। तो इस प्रकार से मैंने उन्हें सलाह दी कि आप यहाँ पर अपना ऑफिस बनाएं और इस प्रकार से अपना सेटअप करें। अब इसी के साथ ही नए एक इलेक्ट्रिक रूम की भी रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर इनका सर्वो भी लगा होता है और पूरा सेटअप भी होता है। वो सेटअप यहाँ पर साउथ ईस्ट कॉर्नर में बना हुआ है, जो कि एज पर वास्तु बहुत सही है। इसी के साथ मैंने इनको कुछ बातें और बताई। इनके यहाँ साउथ वॉल पर साउथ ईस्ट कॉर्नर से लेके साउथ होते हुए साउथ वेस्ट कॉर्नर तक दीवार न होकर लोहे की ग्रिल का पार्टीशन लगा हुआ है। तो मैंने कहा कि आप यहाँ पर साउथ ईस्ट कॉर्नर से साउथ होते हुए साउथ वेस्ट कॉर्नर तक एक सॉलिड दीवार बनाए, यहाँ पर 9 इंच की दीवार बनाए, या 13 इंच की दीवार बनाए, या 18 इंच की दीवार बनाए। जब आप यहाँ पर साउथ में, दक्षिण दिशा में साउथ ईस्ट कॉर्नर से साउथ होते हुए साउथ वेस्ट कॉर्नर तक सॉलिड दीवार बना देते हैं, मोटी दीवार बना देते हैं, और यहाँ की दीवार की ऊंचाई भी ज़्यादा कर देते हैं, तो मेरा अपना मानना है कि आपका ये पेट्रोल पंप हमेशा ही बढ़िया चलेगा, कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज आपकी शुरुआत पहले पेट्रोल पंप की है, आपको ये पेट्रोल पंप इतनी इनकम दे देगा कि आप दूसरा पेट्रोल पंप भी लगा सकते हैं। मेरा अपना अनुभव कहता है कि आप अपने यहाँ पर ये उपाय कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे, आपका पेट्रोल पंप बहुत बढ़िया इनकम देनी शुरू कर देगा। आप अपना नया पेट्रोल पंप लगाने जा रहे हैं या आप अपनी नई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, तो आपको समझ आएगा कि मैंने अपनी इस वीडियो में आपको क्या बताया है। जितने वास्तु कंसल्टेंट हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं और जो वास्तु में रुचि रखते हैं, वो भी मेरे इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि मैंने इस पेट्रोल पंप के अंदर क्या क्या खास बातें बताई है। आप अपनी नई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं या नया पेट्रोल पंप लगाने जा रहे हैं या आप किसी भी तरह की कैसी भी साइट बनाने जा रहे हैं, तो आप मेरी वीडियो को भी देख सकते हैं, और आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से मैप भी बनवा सकते हैं, और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएँ हमारी चार्जेबल रहेगी, पेड रहेगी। आप मेरी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। आप मेरे Facebook और Instagram पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप भी अपनी किसी साइट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर दूं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।